टॉपिक है समय दूरी एवं चाल, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। इसके सबसे पहले अपन कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। पहला अपन देखते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इसके बाद देखते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। बेसिक फॉर्मूले में अपन नॉर्मल क्या है, फॉर्मूले पर ध्यान नहीं देते, जबकि क्वेश्चन जो बनना स्टार्ट होगा या चैप्टर जहाँ से अपना बनना स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले चैप्टर में आगे जाने से पहले इसका बेसिक पता होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दूरी में कौन कौन सी इकाइयाँ आती हैं, चाल में कौन सी आती हैं, समय में कौन सी आती हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं समय में, तो देखिए समय की इकाई घंटे में आएगी, मिनट में आएगी, सेकेंड में आएगी, यानी हावर मिनट और सेकेंड। इनका रिलेशन अपन अगर देखते हैं तो देखिएगा जरा, एक घंटे में होती है 60 मिनट और एक मिनट में होती है 60 सेकंड। अर्थात अपन देखें एक घंटे में 60 मिनट और एक घंटे में सेकंड देखें तो होगी 3600। अब एक दूसरे को अगर कन्वर्ट करने का जरूरत पड़े तो देखिए, जब भी अपन बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाते हैं तो हमें गुणा करना पड़ेगा, और अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आए तो भाग देना पड़ेगा। जैसे अगर आप घंटे को मिनट में बदलना चाहोगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, घंटे को सेकंड में बदलना चाहोगे तो 3600 से गुणा करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आ रहे हो तो मल्टीपल करना पड़ेगा, और अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जैसे अगर आप मिनट को कन्वर्ट करना चाहते हो घंटे में, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। यदि सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का भाग देना पड़ेगा, और यदि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 का भाग देना पड़ेगा। यह अपुन देखा समय के लिए। ऐसे ही अपुन अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पे अपुन देखेंगे दूरी, दूरी में मुख्य इकाइयाँ कौन सी आती हैं, तो दूरी में अपुन इकाइयाँ देखेंगे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। सामान्यतः अपने इस चैप्टर में किलोमीटर मीटर ही काम में आएगा, सेंटीमीटर ना के बराबर काम में आएगा। देखो पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की बन सकती है, कोई भी इकाई हम किसी भी जगह काम में ले सकते हैं। प्रेजेंट कंपटीशन के अनुसार देखें तो दो ही इकाइयाँ अपने काम में आने वाली हैं। इनका रिलेशन अपन देखते हैं, तो पहला रिलेशन अपन देखेंगे, एक किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अगर अपन देखें यहाँ पे, अपन ने देखा एक किलोमीटर में 1000 मीटर या एक किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर। वही बात है, अगर बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आएंगे तो गुणा करना पड़ेगा। अगर अपन किलोमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो अपने को 1000 से गुणा करना पड़ेगा। यदि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 1,00,000 से गुणा करना पड़ेगा। यदि अपन छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाएंगे, भाई दो चीज़ अपनी क्लियर हो चुकी है कि अगर अपन बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आ रहे हैं तो मल्टी कर करना पड़ेगा, और बड़ी इकाई से छोटी इकाई में गए तो गुणा करना पड़ रहा है, और अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आ रहे हैं तो भाग देना पड़ेगा। यदि सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाओगे तो 1,00,000 का भाग देना पड़ेगा, यदि आप मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। चलो इसके बाद में अपन देखते हैं चाल की इकाइयाँ किस किस में आ सकती है। तो देखिए मोस्टली अपन देखें तो चाल किस किस में मिल सकती है, चाल मिल सकती है अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति मिनट में, किलोमीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति सेकंड में। अब क्या होता है, बचपन से आदत है कि भाई दो चीज़ फिक्स करके रख लिया, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये भी को सीख लिया कि 5/18 से गुणा करते हैं, उसके लिए 18/5 से गुणा करते हैं। क्यों, कहाँ से क्या आया कुछ पता नहीं। अगर मैथ्स का बेसिक पता नहीं है तो टॉप का स्कोर तो अलग की बात है, आप उसमें एक पासिंग मार्किंग का स्कोर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले अपन देख रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे को, यदि आप बदलना चाह रहे हो मीटर प्रति सेकंड में तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो किलोमीटर को मीटर में बदला 1000 से गुणा किया, घंटे को सेकंड में बदला 3600 से गुणा किया, क्योंकि एक किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 और एक घंटे में सेकंड होती है 3600, इन्हें काटने पे आ रहा 5/18। तो अपन क्या करते हैं, इसको नियम बना लेते हैं, थ्योरम को समझा नहीं, कॉन्सेप्ट समझा नहीं, नियम को रटा एप्लीकेशन में ले लिया, जिससे सीख नहीं पाएंगे।
क्या करना है, सीधा सा विकल्प अपने को दिख रहा है, क्यों किया, कैसे किया, अभी तो हम समझ में आता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब जस्ट अपोजिट मैं इसको रिवर्स में लेता हूं तो सीधा बोल देंगे, यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो इसका उल्टा करेंगे, 18/5 से गुणा करें, यानी जहां गुणा कर रहे थे उस संख्या का पुनः क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए, अपुन ने लिया है किलोमीटर प्रति मिनट में, इसको गुण बदल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर में मीटर हुए 1000, मिनट में सेकंड हुए 60, 1000/60 यह आ गया 50/3, यानी कि किलोमीटर प्रति मिनट को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 50/3 से गुणा करते हैं। इसको रिवर्स में ले जाऊंगा, उल्टा बोलेंगे वही बात है, मैं बोलूंगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 3/50 से गुणा करेंगे या 50/3 का भाग देंगे, एक ही चीज है। कोई भी ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, जैसे यहां से ले लिया कि यह है किलोमीटर प्रति सेकंड में और इस किलोमीटर प्रति सेकंड को अपने को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो सेकंड तो नीचे सेम है, केवल किलोमीटर की इकाई को लेना है मीटर में, और इस बात का हमें पता है कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इट मीन्स अपुन ने देखा कि आ गया 1000 मीटर प्रति सेकंड, किया क्या, सिंपल इकाई है, तीन इकाई अपन ऊपर ही पढ़ चुके थे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 100,000 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा था अभी 1 किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, तो हमें पता है किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। अगर इसको मैं रिवर्स में बोलता हूँ तो अपन इसका उल्टा बोलेंगे कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, वही बात यहाँ पे लागू करनी है, कुछ नया नहीं है। अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। इस बात को अगर मैं उल्टा बोलना चाहूं तो ऐसे ही बोल दूंगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं या 1/1000 से गुणा करते हैं। इकाइयां फिक्स ना रखिए कि 2-3 याद कर लेते हैं, जितनी बन सकती है बनाएंगे, अपने दिक्कत क्या है, टाइम बराबर ही लगना है। जैसे आगे इकाई ले ली मैंने मीटर प्रति घंटे में, पर इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो देखिए क्या कर रहे हैं, मीटर को मीटर में ही रख रहे हैं तो 1 से ही गुणा करेंगे, घंटे को बदल रहे हैं सेकंड में तो 3600 से गुणा किया, कुल मिला के मीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने इसको 1/3600 से गुणा किया। अगर इसको मैं उल्टा बोलूं तो मैं ये बोल दूंगा कि मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 3600/1 से गुणा करते हैं या 1/3600 का भाग देते हैं। देखिए एक सिंपल जो ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर से मैंने इसको दोबारा लिया है ताकि अपन गुणा के अलावा कुछ भाग की बात भी समझ सके। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ऐसा कोई पॉइंट आ जाए जो अपने क्वेश्चन में दिक्कत करे, तो हर प्रकार से थ्योरम लीजिएगा, दोनों साइड से देखिएगा, दोनों तरफ से देखिएगा, गुणाए चाहे भाग आए, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दुनिया का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, गलत होना तो दूर की बात। अगर 10-15 सेकंड से ऊपर ले रहा है इट मीन्स अपन कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे। यहाँ पर देखिएगा, ये लिखा मीटर प्रति मिनट और मीटर प्रति मिनट को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आराम से सुनिएगा, मीटर को बदल रहे हैं किलोमीटर, छोटी इकाई जा रही है बड़ी इकाई, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग देते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया। अभी मिनट को बदल रहे हैं घंटे में, मिनट छोटी इकाई है, घंटे की इकाई बड़ी है, वही छोटी इकाई बड़ी इकाई में जा रही है इसलिए भाग लगेगा, इसलिए देखो 60 ऊपर की तरफ आया, भाग लगा, 60/1000 कट के क्या आ गया 3/50, यानी अगर मीटर प्रति मिनट को आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हो तो 3/50 से गुणा करते हैं। इसी को मैं रिवर्स में बोलना चाहूंगा, तो रिवर्स में बोलेंगे तो अपन बोलेंगे कि यदि इकाई किलोमीटर प्रति घंटे में हो और इसको बदलना हो मीटर प्रति मिनट में, तो अपन क्या करेंगे 3/50 का भाग देंगे या 50/3 से गुणा करें। अभी देखिए नॉर्मली अपन आगे देखते हैं, इसी में आगे छोटा सा पॉइंट आता है अपना औसत चाल, अपन देखेंगे औसत चाल किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो अपन औसत चाल ले रहे हैं। देखो एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनेगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाने के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, अपन जैसे जैसे बेसिक कवर करते हैं
बेसिक कर कवर करने के पश्चात जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक में जाएंगे, अलग अलग टॉपिक में जाएंगे तो चार पांच नए कॉन्सेप्ट लेते हैं। पूरा एक मिलीजुली सरकार है, हर टॉपिक का दूसरे टॉपिक से अटैचमेंट है, पूरा मैथ्स एक टॉपिक ही है, कोई अलग बुक नहीं। इसको तो अपने पार्ट्स बना दिए अलग अलग, आदमी एक ही होता है, शरीर के अंग अलग अलग होते हैं। अब अगर अपन बोले शरीर के अंग अलग अलग है ये सारे आदमी है, तो ये बात तो गलत है। बुक पूरी एक है, ये पूरा एक ही पार्ट है। इस एक लेसन को पढ़ने में हम दुविधा महसूस कर रहे हैं, ये सोचो एक चैप्टर इसको पढ़ना है, एक बुक एक चैप्टर होती है। ये प्रकार दूसरे प्रकार से मिलेगा, सारे मिलके ही एक नया चैप्टर का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे अपन अगर देखते हैं तो देखिए औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, तो औसत चाल मैंने बोला चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। यदि प्रश्न में दूरी और समय की स्थितियां दी हुई हों, अर्थात यदि प्रश्न से दूरी और समय ज्ञात किया जा सकता हो, प्रश्न से सबसे पहले किसी भी स्थिति के अनुसार आप ये सोचिएगा कि प्रश्न से दूरी और समय ज्ञात हो सकता है क्या। हो सकता है डायरेक्टली दूरी और समय आपको नहीं दिया गया हो, चाल दी गई हो, समय दिया गया हो तो दूरी ज्ञात करेंगे। किसी स्थिति में ऐसा हो दूरी दी गई है चाल दी गई है तो समय ज्ञात करेंगे, क्योंकि दूरी चाल और समय के फॉर्मूले अपने पास में है। तो प्रश्न में सबसे पहले आपको इतना देखना है कि क्या प्रश्न से मैं दूरी और समय ज्ञात कर सकता हूं क्या। यदि ये प्रश्न से ज्ञात हो सकते हैं तो औसत चाल के लिए केवल और केवल आप एक ही सूत्र काम में लेओगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यदि प्रश्न से ये दूरी और समय की स्थिति ज्ञात नहीं हो पाए तो कैसी कंडीशन बनेगी, यानी अपना केस फर्स्ट, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करेंगे, तो अपने पास दूरी नहीं आएगी, दूरियों की स्थिति आएगी। जैसे मैं बोलूँ, मान लीजिए कि मैं अपनी माइंड कोचिंग क्लासेस से मेरे घर जा रहा हूँ और मेरे घर से वापस माइंड कोचिंग क्लासेस में आ रहा हूँ, तो भैया सीकर की दोनों स्थितियाँ मैंने आपको बताई। मेरे घर से मैं माइंड कोचिंग क्लासेस गया, माइंड कोचिंग क्लासेस आया, माइंड कोचिंग क्लासेस से मैं वापस मेरे घर गया, तो आपने कहा कि सर भी आप घर पे गए वापस आए, वापस आके वापस गए, तो जाने की दूरी वापस आने की दूरी समान है। एक आप ये कहो कि भैया धर्मेंद्र जी सर हैं, ये धर्मेंद्र जी सर सीकर से पलसाना गए और पलसाना से खाटू श्याम जी गए, तो आपने बोला कि धर्मेंद्र जी सर सीकर से पलसाना गए और पलसाना से खाटू श्याम जी गए, तो दोनों स्थितियाँ अलग अलग हो गई, दोनों अलग अलग स्थान है। आप यहाँ से बात को नोट कीजिएगा कि मैंने बोला अलग स्थान है, मैं माइंड कोचिंग क्लासेस से या सीकर से पलसाना जा रहा हूँ और पलसाना से खाटू श्याम जी जा रहा हूँ, तो पहले स्थान की दूरी और दूसरे स्थान की दूरी हम अलग अलग मानेंगे, क्योंकि स्थानों के नाम भी क्या है, अलग अलग है। तो स्थिति नोट कीजिएगा कि समान दूरियों की स्थिति है या असमान दूरियों की स्थिति है। अगर मान लीजिए ये दूरियों की स्थिति असमान हो, दूरी नहीं देगा, असमान दूरियों की स्थिति देगा, जैसे अलग अलग स्थान पे जा रहा है, ए से बी, बी से सी, अगर असमान दूरियों की स्थिति है तो चाहे दो स्थिति हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, इतनी भी स्थिति हो, औसत चाल का फॉर्मूला लोगे सभी चालों का योग बटा चालों की संख्या। यदि मान लीजिए ये दूरियों की स्थिति अपने देखे कि भाई असमान नहीं है समान है, आपने कहा कि भाई सर हैं वो यहाँ से जयपुर गए, जयपुर से वापस सीकर आए, तो मेरे जाने की दूरी और मेरे वापस आने की दूरी समान है, दूरी कितनी है इस बात का कोई मतलब नहीं, दूरियों की स्थिति देखिए, दूरियों की स्थिति क्या है, समान है। अब दूरियों की स्थिति समान है तो क्या करेंगे, तो देखिए यदि दूरियों की स्थिति समान हो तो क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला, अगर दो ही चालें दी गई हैं, मान लीजिए पहली चाल दी कि जाते समय एक्स किलोमीटर पर आवर, वापस आते समय वाई किलोमीटर पर आवर, तो औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल ज्ञात करोगे आप 2xy अपॉन में x प्लस वाई। यदि तीन दूरियां समान हो, मैं बोलूं a से b गया, b से c गया, c से a गया, और ये ab, bc और ca तीनों दूरियां समान हैं, तीनों दूरियों की स्थिति समान है, तो औसत चाल का सूत्र अपन काम में लेंगे 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस में zx। अब आप सोचोगे तीन से ज़्यादा नहीं आ सकती क्या, तो देखो प्रश्न तो बनाने को अपन बना सकते हैं, ये सारे बेसिक फॉर्मूले निकाले हुए हैं, अपन चाहें तो 10 का, 20 का, 50 का, कितने का भी निकाल सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए 4 का आ गया तो पहले 2 का इससे निकाल लो, अगली 2 का भी इससे निकाल लो, फिर उनका एक साथ निकाल लो। मान लीजिए 5 का आ गया
तो दो का इससे निकालो, तीन का इससे निकालो, एक डिजिट यहां से मिला, एक डिजिट यहां से मिला, दोनों का निकाल लीजिए, पांच का आ गया। मान लीजिए छह का आ गया, तो तीन का इससे निकालो, फिर अगली तीन का इससे निकालो, फिर दोनों का एक साथ निकाल लो। बाकी अपन फॉर्मूला बना भी सकते हैं। एक चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए कम से कम 40-50 घंटे की न्यूनतम आवश्यकता होती है, क्योंकि 10 घंटे में तो उसका बेसिक ही पूरा नहीं होता। अपन क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी में लगे हुए, जो 15 साल में पढ़ा, 12 साल में पढ़ा या 10 साल में पढ़ा, उसको अपन 2 घंटे में पढ़ना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा समरी टाइप अपन बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आगे मैं बात करूं कि अगर जब तय की गई दूरियां निश्चित हों, जब तय की गई दूरियां निश्चित हों, तो गतिशील वस्तुओं की चालों का अनुपात संगत समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरियां कैसी हैं, नियत हैं, दूरियां कैसी हैं, नियत है। जैसे D1 और D2 को मैं बराबर मानूंगा, ये निश्चित है, तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखो S1 मैंने लिखा प्रथम चाल, T1 प्रथम समय, D1 प्रथम दूरी, S2 ये दूसरी स्पीड मतलब चाल, T2 दूसरा समय, D2 दूसरी दूरी। अब दूरियां निश्चित मान रहे, समान मान रहे, तो D1 से D2 कट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप अपना बनेगा S1 T1 बराबर S2 T2। इससे आगे अपन मैं देखूंगा, तो देखिए ये गुणा में या भाग में चला जाएगा, T1 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या बन गया, S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1। कई बार अपन ये करते हैं कि सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए, फॉर्मूले एक साथ पढ़ने से बर्डन बढ़ता है। मेरा मानना ये है, पहले पूरा बेसिक पढ़िए, पूरा अगर बेसिक आप पढ़ रहे हो, इसके बाद क्वेश्चन में जा रहे हो, तो वो चीज़ दोबारा आपसे टकराएगी, जब दोबारा टकराएगी तो उस जगह आपको बर्डन कम लगेगा। एक डायरेक्टली आप उसको उसी जगह पे देख रहे हो तो बर्डन ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हो सकता है जैसे बेसिक अपन पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने ये फैक्ट बताया, ये बताया, ये बताया, वो बताए, एक बार कम समझ में आया, लेकिन जब प्रश्न में जाएंगे तो ये चीज़ दोबारा याद आएगी और क्वेश्चन करेंगे तो एकदम से कन्फर्म हो जाएगा। इसको अपन ने देखा, यहाँ से फिर बता रहा हूँ, समय दूरी एवं चाल, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला देखा है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। अलग अलग इकाइयों को पढ़ना है कि समय दूरी एवं चाल में छोटा मोटा बेसिक क्या याद रखें, जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, उसी की अपन बात कर रहे हैं। तो समय में आप ये याद रखिए कि इसकी इकाई घंटे में, मिनट में या सेकेंड में मिल सकती है। घंटे से मिनट में आओगे तो एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होती है। बोल सकते हैं अपुन एक घंटे में 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड। अब अगर अलग अलग बात करें अपुन, तो अलग अलग बात में अपुन बोल सकते हैं कि दूरी, दूरी किलोमीटर में होगी, मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी। मैंने बोला जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे, समय चाल दूरी, यहाँ पे सेंटीमीटर का बहुत ना के बराबर नगण्य रोल है। दो चीज़ की चर्चा करेंगे, किलोमीटर और मीटर की। तो एक किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो अपन एक साथ बोलेंगे इनको कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बराबर 100000 सेंटीमीटर। चाल अपन देख लेते हैं, तो चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति सेकंड में। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, किसी में भी आ सकती है अगले की इच्छा, अपने भी क्या दिक्कत है, सारा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, अच्छी तरह समझ के रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, तो देखो ये चालें अपन ने बदली है। सिर्फ दो चीज का ध्यान रखना, अगर आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जा रहे हैं तो गुणा करते हैं, और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आ रहे हैं तो भाग देते हैं। तीनों फैक्टरों में आपको यही ध्यान में रखना है। औसत चाल मैंने बोला आपको कि अगर प्रश्न से दूरी और समय ज्ञात करना संभव हो, पॉसिबल है, तो औसत चाल का सूत्र केवल और केवल आप एक काम में लोगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। और अगर ये संभव नहीं है तो दूरियां नहीं आएंगी, दूरियों की स्थिति आएगी, या तो आएगी समान दूरियों की स्थिति या असमान दूरियों की स्थिति। तो यदि समान दूरियों की स्थिति आती है तो औसत चाल बराबर सभी चालों का योग बटा चालों की संख्या, और सॉरी असमान आएगी तो, और यदि समान दूरी आएगी तो दो फॉर्मूले अपन देखें, इसके आगे अपन बना सकते हैं, इस बात पर अपन चर्चा कर चुके हैं। पहला 2xy/x + y, एक्स और वाई अलग अलग दो चालें हैं, तीनों, तो 3xyz/xy + yz। तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप जिस साल से जिस समय में दूरी तय कर रहे हो, वही दूरी अगर आप दूसरे समय में तय करना चाहोगे, तो अगर आपका समय कम होगा तो चाल बढ़ जाएगी, चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा, मतलब उनका गुणनफल बराबर आएगा। मतलब अगर समय और चाल के गुणनफल, चाल और समय के गुणनफल में दूरी का भाग दूंगा तो एक नियतमान आएगा, ये दोनों नियतमान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
यदि दूरी अपूर्ण समान मान रहे हैं यहाँ पे निश्चित तो ये कट जाएगी, एटलीस्ट हमें ये फॉर्मूला मिलेगा जिस बात को अपूर्ण इसके माध्यम से बोला है कि जब तय की गई दूरियां निश्चित हों तो गतिशील वस्तुओं की चालों का अनुपात संगत समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया नहीं है? हाँ भाई, इससे अगर अपन आगे देखते हैं जितना पढ़ा है इसके बाद में देखिए अलग अलग स्थितियां दी हुई आती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट आएगा। कई बार क्या होगा, प्रश्न से हमें समय अंतराल निकालना होगा। अब प्रश्न में स्थितियां देखिए दो प्रकार की आएगी। एक तो मान लीजिए स्थिति ऐसी आ जाए कि भाई वो S1 चाल से चल रहा था, अर्थात कोई भी चाल से, तो इतने समय पहले पहुंच गया, और दूसरी चाल से बोले भी इतने समय देरी से पहुंचा। तो यहाँ पर जो अपन अंतराल कैसे निकालेंगे समय का, याद रखिएगा मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, अगर दो विपरीत बातें बोली गई हैं तो वहाँ पर अंतराल निकालने के लिए उनका योग किया जाता है। और अगर बात दोनों ही समान हो, कि जैसे मैं बोलता हूँ कभी एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर से 20 मिनट पहले पहुंच गया और दूसरा 30 किलोमीटर पर आवर से 12 मिनट पहले पहुंच गया, तो दोनों समान है, दोनों ही पहले पहुंच रहे हैं, तो दोनों ही पहले पहुंचे या दोनों ही बाद पहुंचे, यानी कि दोनों की दोनों स्थितियां समान हों, तो इस स्थिति में अंतराल घटाव से प्राप्त होता है। दो स्थिति आपने देखी है, पहली बात मैंने क्या बोली ध्यान से सुनिएगा, पहली बात मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि यदि प्रश्न में नियत समय से पहले एवं देर से पहुंचने का समय दिया गया हो तो इनका अंतराल इनके योग से प्राप्त होता है। अपोजिट चीज है, एक पहले पहुंच रहा था एक बाद में, अगर दोनों साथ में आए तो अंतराल के लिए इनका योग करना पड़ेगा। यदि नियमित रूप से गंतव्य पर विभिन्न चालों से चलकर अलग अलग चालें देंगी पहुंचने का समय नियत से पूर्व है, या तो पूर्व ही हो अथवा बाद, दोनों साथ नहीं, या पूर्व या बाद का दिया गया हो तो अंतराल घटाव से प्राप्त होगा। समान है तो घटाव, असमान है तो योग। अब इसके बाद में छोटा सा आगे कॉन्सेप्ट लेते हैं। कई बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जैसे दो अलग अलग गाड़ियां हैं, दो ट्रेनें हैं, दो बसें हैं, दो गाड़ियां हैं, कारें हैं, कुछ भी दिया है, दो व्यक्ति दिया है, दोनों अलग अलग तरफ से चल के आ रहे हैं। अब दोनों चल के मान लीजिए समान समय से चले, T1 समय में आके किसी जगह पे मिल गए। अब मिलने के पश्चात इनका समय दिया जाता है कि भाई ये इतने समय बाद इधर चला जाता है, दूसरा इतने समय बाद इधर चला जाता है। अब ये समय दिया गया है, एक की चाल देगा तो दूसरे की चाल पूछेगा, या दूसरे की चाल देती तो पहले की चाल पूछेगा, और यदि दोनों का समय दिया गया है तो चालें पूछेगा, और दोनों की चालें दी गई हैं तो पहले का समय देगा तो दूसरे का पूछेगा, दूसरे का देगा तो पहले का पूछेगा। बाद वाले समय की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने जैसे छोटा सा बनाया यहाँ पे कि मान लीजिए ये एक इधर से चल रहा है, पहली गाड़ी यहाँ पे आ गई T1 समय के पश्चात, दूसरी गाड़ी यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, ये भी T1 समय के पश्चात। इसने मान लीजिए कोई भी D1 दूरी तय की है, इसने कोई भी D2 दूरी तय की है, दूरियाँ दोनों अलग अलग करेंगे क्योंकि चालें भी दोनों की अलग अलग हैं। अब इसके बाद दोनों मिलने के पश्चात ये पहली गाड़ी इधर जाएगी तो कोई समय लगी T1, दूसरी गाड़ी इधर जाएगी तो कोई समय लगी T2, मतलब एक स्थान पर मिलने के पश्चात वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में जो समय ले रही है वो समय दोनों अलग अलग है। पहली गाड़ी के समय को पुण्य मान लिया T1, दूसरी गाड़ी के समय को मान लिया T2, इनकी चालें भी अलग अलग है। पहली गाड़ी की चाल को मान लिया S1, दूसरी को मान लिया S2, यानी स्पीड ऐसे ले रहे। तो यहाँ पर जो थ्योरम बनेगा अपना वो बनेगा S1/S2 बराबर रूट में T2/T1। फॉर्मूला बेसिक से ही बना, बेसिक बंडा निकालेंगे फॉर्मूला आएगा। यहाँ से आगे अपन देखते हैं, देखिए यदि दो स्टेशनों से चलने वाली दो गाड़ियां क्रमशः D1 व D2 अलग अलग दूरियां से T1 समय में चलने के बाद एक ही समय पर एक दूसरे की ओर क्रमशः S1 व S2 चाल से चले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो क्या होगा, S1/S2 बराबर रूट में T2/T1। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं इसके आगे, तो देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर अपन बात करेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कहते किसे, मान लीजिए एक आप चल रहे और एक मैं चल रहा हूँ। अब वो अपने बिहेव पे डिपेंड करता है कि अपन साथ साथ चले या एक दूसरे के विपरीत चले। अगर एक दूसरे के विपरीत चल रहे तो भी मिलने के पश्चात स्थिति यहाँ से आरंभ होगी, एक दूसरे के अंदर डिस्टेंस बनना चालू होगा। अगर साथ साथ में चल रहे हैं तो भी अगर स्पीड बराबर है, चाल बराबर है तो डिस्टेंस नहीं बनेगा,
लेकिन अगर चालें अलग अलग है तो डिस्टेंस बना चाल होगा, पहले की चाल ज्यादा है तो पहला आगे चला जाएगा, दूसरे की चाल ज्यादा है तो दूसरा आगे चला जाएगा। मतलब सापेक्ष चाल होता क्या है, सापेक्ष चाल को मैं ये बोलूंगा कि दो गतिशील वस्तुओं के मध्य बढ़ने वाला अंतराल जिस चाल से बढ़ता है वह चाल सापेक्ष चाल कहलाती है। अब अगर दोनों गतिशील वस्तुएं एक ही ओर जारी है तो अंतराल कम बढ़ेगा, एक पॉइंट मिलता है। दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो अंतराल ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों दोनों के कारण अंतराल बढ़ रहा है। अब यहां पर मैंने बोला सापेक्ष चाल की परिभाषा दी, अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो सापेक्ष चाल आएगी दोनों चालों के योग से, और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष चाल आएगी दोनों चालों के अंतर से। अब मान लीजिए हमें ये पूछा जाए, दो की चालें दे दी, फिर उनके मिलने का समय पूछे, तो अपन ऊपर दूरी लिख लेंगे, नीचे हमेशा सापेक्ष चाल ही काम में लेंगे। जब भी दो गतिशील वस्तुएं अपने काम में आएंगी, उन गतिशील वस्तुओं के एक दूसरे से मिलने का समय, पार करने का समय, जिसे ओवरटेक बोलते हैं, उसका पीछा करके पकड़ने का समय मान लीजिए, तो उसमें क्या करेंगे, अगर दो अलग अलग चालें दी गई हैं तो सदैव काम में सापेक्ष चाल ही लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कुछ दूरी तय हो गई, भिन्न भिन्न चालों के अनुसार दिया गया है, कुछ दूरी तय हो गई, इसके बाद में अगला पूछ रहा है कि भाई अब कितना समय लगेगा, तो अपन क्या करेंगे, शेष दूरी बटे में तो क्या आएगी, सापेक्ष चाल ही आएगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या बोला है मैंने, सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड दो गतिशील वस्तुओं के मध्य बढ़ने वाला अंतराल अर्थात दूरी जिस चाल से बढ़ता है वह चाल सापेक्ष चाल कहलाती है। अब केस नंबर फर्स्ट, ये केस फर्स्ट देखते हैं अपन, तो को क्या बोला, यदि विपरीत दिशा में चलने वाली हो तो इन चालों का योग करेंगे तब प्राप्त होगा रिलेटिव स्पीड, और यदि इनकी दिशा एक ही दिशा में चल रही है तो इनका अपन अंतराल लेंगे, मतलब एक दूसरे को घटाएंगे, तो जो बड़ी चाल होगी उसमें छोटी चाल घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा रिलेटिव स्पीड। अब मिलने का समय बोला गया तो इनके बीच की दूरी देख लो, जब भी दो चालें दी गई हैं तो काम में सापेक्ष चाल ही आएगी। दूसरी बात मैंने बोली कि अगर मान लीजिए भिन्न भिन्न समय पर चलने दिया है, अलग अलग समय पर दिया, अलग अलग चालें भी देगा, उसके बाद में पूछ रहा है कि मिलने में क्या समय लेगा, तो जितनी दूरी तय कर ली है वो तो कर ली है, शेष दूरी क्या है उसके बटे में सापेक्ष चाल लिखोगे तो मिलने में लगा समय आएगा। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और देखिएगा, जब भिन्न भिन्न चालू से दी जब भिन्न भिन्न चालें दी गई हो तथा दोनों स्थितियों से समय अंतराल दिया गया हो, कैसे, मैंने बोला कि मैं माइंड कोचिंग क्लासेस से जयपुर जाता हूँ 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से, तो एक घंटे देरी से पहुँचता हूँ निर्धारित समय से, और अगर जयपुर से वापस माइंड कोचिंग क्लासेस जाता हूँ, या मान लीजिए दूसरी चाल से चलने की बात करूँ, उधर से ले हो चाहे इधर से ले हो, दूरियाँ समान है, तो यही मैं बोल दूँ कि अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर से माइंड कोचिंग क्लासेस से जयपुर जाता तो मैं 20 मिनट देरी से ही पहुँचता या 10 मिनट पहले पहुँच जाता, तो ये अंतराल हो गया, या तो दोनों पहले का ही आएगा या बाद का आ गया, या एक पहले का एक बाद का आ गया। इस स्थिति में दूरी पूछेगा कि हाँ भाई धर्मेंद्र जी सर आप ये बताइए कि ये माइंड कोचिंग क्लासेस से जयपुर का दूरी क्या है, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने का तरीका ये होगा कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणा में समय अंतराल। कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एक बार सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बाद जैसे ही अपन क्वेश्चन पे जाएंगे तो अपने को लगेगा कि हाँ भाई ऐसा कोई पॉइंट तो पढ़ा था, एक बार अपन बेसिकली सिर्फ देख रहे हैं। अगर डायरेक्टली अपन क्वेश्चन में जाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि चैप्टर चालू कहाँ पे हुआ है, खत्म कहाँ पे करना है। अभी अपने को इंडिकेट हुआ है कि इन इन पॉइंट्स को अपन देख रहे हैं, मतलब इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर इनके मिक्सअप के एग्जाम्पल्स लेंगे, इसके बाद में बात आगे करेंगे। समझ में आया? अभी पीछे क्वेश्चन से देखे, उससे अगर अपन आगे बात करेंगे तो उसमें कुछ ट्रेन वगैरह के प्रश्न आते हैं, कभी एक ट्रेन एक व्यक्ति की तरफ आ रही है, उसको आवाज़ सुनाई दी, उसके कुछ समय बाद में फिर से आवाज़ सुनाई दी, या कुछ फायरिंग के प्रश्न आते हैं कि ये गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, अब वो आदमी समय इस चाल से चल रहा था, या मान लीजिए आदमी ट्रेन में बैठा है फिर चल रहा था, तो अलग अलग समय अंतराल देता है, तो फिर वहाँ पर अपने को चाल वगैरह का प्रश्न पूछता है, समय वगैरह का प्रश्न पूछता है। इसके अलावा जैसे पहिए से संबंधित प्रश्न आता है कि एक पहिया है तो ये कितने चक्कर लगाएगा, या इस चाल से कितनी दूरी तय करेगा, तो चक्करों की संख्या अगर आ गई अपने पास में तो दूरी भी अपन निकाल लेंगे, क्योंकि एक चक्कर की दूरी क्या होती है, पहिया है मतलब वृत्ताकार है,
वृत्ताकार है तो उसकी परिधि निकालिए, परिधीय पुण्य निकालिए, इसका मतलब एक चक्कर की दूरी आ गई। अब जितने चक्कर हो रहे हैं उसको उससे गुणा कर देंगे। या कभी प्रश्न ऐसा आता है कि भाई एक बस है वो बिना रुके इस चाल से चलती है, उससे चाल दे दी जाती है, रुक रुक के चलेगी तो उसकी वो दूसरी उससे चाल दे देगी। फिर उसमें पूछा जाए कि भाई ये प्रति घंटे कितने समय रुक रही है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट की अपन चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट पर देखो, आपको बात करूँ यहाँ से, तो पहला पॉइंट अपन ने लिया ये, यदि चक्रों की संख्या निकालनी हो, कब, जब पहिए वाला प्रश्न हो, तो पहिए वाले में देखो ये मैंने संख्या नहीं लिखा, दूरी लिखा है। जो चक्करों की संख्या है उसको मैं आगे मेंशन कर रहा हूं। अभी मैंने बोला दूरी बराबर पहियों की परिधि इंटू चक्रों की संख्या। तो अब जब चक्रों की संख्या में निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस परिधि का दूरी में भाग दे देंगे तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। देखो क्या लिया है, पहिया की परिधि, परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr, तो ये ले लिया 2πr इंटू में एन, आर त्रिज्या, पाई एक परिमेय संख्या है, एन चक्रों की संख्या है, एन का वैल्यू निकालना होगा तो इसका भाग दे देंगे। अगर दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर परिधि गुणा में चक्रों की संख्या, ये अपने इक्वेशन ले लिया जिससे दोनों में कोई भी वैल्यू ज्ञात करना पड़ सकता है। इसके बाद खंभू की संख्या ज्ञात करनी हो, ट्रेन के लिए बोला जाता है या कोई गाड़ी के लिए बोला जाता है कि भाई इतनी दूरी पर खंभे लगे हुए हैं तो ये ट्रेन कितने समय में कितने खंभे पार कर लेंगी, खंभों के बीच की दूरी आती है, तो एक तो हम खंभों के बीच की दूरी को इंडिकेट करेंगे, दूसरा खंभों की संख्या को। अब जितने खंभों की संख्या अपने पास में आएगी, कैसे आएगी, तो हम क्या करेंगे, दूरी में जो दो खंभों के बीच में जो अंतराल है उसका भाग देंगे, तो जो संख्या आ रही है उससे एक ज़्यादा लेंगे, क्योंकि पहला खंभा पार करने में समय नहीं लगा। जैसे मान लीजिए पहला खंभा है, अब यहाँ से ट्रेन चल रही है, अगले खंभे को पार किया तो पार करने में अपन देख रहे हैं समय एक का ही लगा है, ये मान लीजिए एक फ्री में चल रहा है, तो एक हमेशा प्लस में रखना पड़ेगा। तो चक्रों की संख्या कैसे आएगी, तो मैं बोलूंगा चक्रों की संख्या बराबर आएगी कि भी दूरी बटे में दो खंभों के बीच की दूरी और प्लस में एक। अब इसका पूरा इक्वेशन देखते हैं कि इसका भी सेंटेक्स कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इसकी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यदि दो खंभों की संख्या ज्ञात करनी हो, यदि खंभों की संख्या ज्ञात करनी हो तो दूरी बराबर, ये इसका मेन फॉर्मूला बना, एन माइनस वन इंटू में एक्स। यहाँ पे देखिए एक्स क्या लिया, दो लगातार खंभों की दूरी, बीच की दूरी, और एन लिया है खंभों की संख्या। अब यहाँ से मान लीजिए अपने को एन का वैल्यू निकालना है तो एक्स गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो फॉर्मूला बना दूरी बटा एक्स, फिर ये माइनस का वन इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो एन इक्वल होगा दूरी बटा एक्स प्लस में वन, और दूरी निकालनी है तो अपने को फॉर्मूला दिया ही। इसके बाद में मैं देखता हूँ, कभी कभी क्या होता है, प्रश्न दिया जाता है, अलग अलग चालें दे दी अपने को, जैसे एक एक्स चाल दे दी, एक वाई चाल दे दी, एक एक्स किलोमीटर पर आवर, एक वाई किलोमीटर पर आवर। क्या लिखा है, जब दोनों एक ही समय चलना आरंभ करती हो, जब दोनों एक ही समय पर चल रही है तो इनको मिलने में क्या समय लगेगा। तो वैसे तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, बेसिकली अपन जब देखते हैं तो मैं आपको हमेशा एक ही एडवाइस दूंगा कि कभी कोई फॉर्मूले के चक्कर में मत घुसो। ट्रिक जिंदगी में कभी काम में लेनी भी नहीं है, जिस दिन ट्रिक काम में ले ली उस दिन कंपटीशन से आपका अलग अलग का नाता हो गया। ट्रिक काम में ले ली मतलब जिंदगी में कभी मैथ नहीं सीख पाओगे। ये अपने फॉर्मूला बनाया कैसे बनाया, जब तक ये थीम अपने दिमाग में नहीं आएगी ये कभी काम में नहीं आएंगे। जो अपन लिख रहे हैं ये बहुत कम जगह, बहुत कम बेसिक पॉइंट में अपने काम में आने वाला है, बस हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा किसी विद्वान ने नहीं कहा कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, पहले पढ़िए पूरा बेसिक भी पढ़िए, अलग अलग कॉन्सेप्ट कैसे निकल रहे हैं वो भी पढ़िए, उसके बाद में आपको जिस तरीके से हल करना है उस तरीके से आप हल कीजिए। अपने को ये दिमाग में एक एक चीज याद करके नहीं रखना है, प्रश्न को प्रश्न के तरीके से करेंगे। ये एक बार ये मान लीजिए बेसिक के लिए पढ़ रहे हैं ताकि कैसा भी प्रश्न आ जाए वो फटाफट हल हो जाएगा। तो यहां पर समय निकालना तो लिख देंगे चालू का गुणनफल बटा चालू का योग। दूसरा कॉन्सेप्ट, कई बार क्या होता है चालू का अनुपात दे देंगे तो समय का पूछेगा, समय का दे देगा तो चालू का पूछेगा। दूरी यहां पर मैं नियत मान रहा हूं, दूरी दोनों स्थितियों में नियत है, तो चालू का अनुपात देके समय का पूछो, चाहे समय का देके चालू का पूछो। एक सीधा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है, कभी चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती में आएंगे। अगर चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और अगर समय ज्यादा होगा तो चाल कम होगी, तभी समय ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैंने बोला कि चालू का अनुपात एक्स अनुपात वाई है, देखिए यदि दो वस्तुओं की चालों का अनुपात एक्स अनुपात वाई हो तो उनके द्वारा किसी निश्चित समान मतलब दूरी को तय करने में लगने वाले समय का अनुपात वाई अनुपात एक्स है।
यहाँ पे ये मत समझिएगा कि इसको उल्टा करके प्राप्त हुआ है। दो में तो आप देखोगे तो डायरेक्टली उल्टा मिल जाएगा, लेकिन तीन में जाएंगे चार में जाएंगे तो उल्टे से नहीं मिलेगा। इसकी बात अपन क्वेश्चन में करेंगे, कभी भी गलत कॉन्सेप्ट मत बनाओ, वरना एक के चक्कर में जो दस अपने पहले से क्लियर है वो और खराब हो जाएगा। अभी आगे सुनिएगा मेरी बात को। अपू ने आगे लिया कि जब बात की अपू ने कोई भी दो ट्रेनें हैं बसें हैं, जब बिना रुके नहीं है दूरी और इसकी औसत चाल दे दे मान लीजिए एक्स किलोमीटर पर आवर, रुक रुक के करने के कारण दे दे वाई किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। इस स्थिति में अपने से पूछेगा कि भाई कितने समय रुक रहा है, प्रति घंटे कितने समय रुक रहा है। तो वैसे तो जो वैल्यू आता है उनका लेसे लेते हैं, अलग अलग चालों का भाग देते हैं, फिर अंतराल लेके अपन निकाल लेते हैं। 5 सेकंड का प्रश्न होता है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट से देखें तो कॉन्सेप्ट से अपन ये बोल सकते हैं इसी को हल करने पे कि एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स ये करेंगे तो ये आ जाएगा कि प्रति घंटे रुकने का समय क्या है। इसके बाद मैंने बात की कि अगर मान लीजिए आपको धवनी वाला प्रश्न आता है कि धवनी का वेग दें, तो उस स्थिति में क्या होगा, धवनी का वेग तो आपको फिक्स मानना पड़ेगा अभी 332 मीटर प्रति सेकंड, जो कि सर में दिया वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, काम में लेना पड़ सकता है। यदि निश्चित समय अंतराल पर फायरिंग होता हो तो इस स्थिति में चाल स्पीड कैसे ज्ञात करेंगे, धवनी का वेग इंटू में समय का अंतर बटा में दूसरी आवाज सुनने में लगा समय। ऐसा करेंगे तो अपने पास में प्रश्न पूछा जाता है चाल का, जो चाल अपने को ज्ञात हो जाएगी। यह अपन ने समय चाल दूरी देखा, बेसिक अपन बढ़ते जाएंगे तो मैंने बोला था कि एक टॉपिक 40-50 घंटे में भी खत्म करना मुश्किल होता है। नॉर्मली अपने को एक मिडिल कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ने के लिए 40-50 घंटे एक टॉपिक को पढ़ना आवश्यक है। फिर भी अपन एक समरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक अपन ने पढ़ा, इसके बाद में थोड़ी सी और बात करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ में आ गया? Yes, sir.